तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के पास एक बजट फोन जो कि आपको मात्र 12,000 रुपए में मिलने वाला है और ये जो स्मार्टफोन होने वाला है 5G होने वाला है। तो जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पास अभी जो है फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया था, कोरियर वाला मुझे दे करके गया था, ओपन बॉक्स की डिलीवरी थी। तो अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का फ़ोन रहने वाला है। तो इस तरीके से दोस्तों देख सकते, सॉरी दोस्तों मैंने इसको अमेजोन से मंगाया था, मैंने आपको फ्लिपकार्ट बताया, तो इसको मैंने अमेजोन से मंगाया था। तो इस तरीके से रहने वाला है, अभी हम पूरा खोल के देखने वाला है किस तरीके का फ़ोन रहने वाला है और किस तरीके की इसकी क्वालिटी रहती है। तो ये पोको का होने वाला है, पोको M6 Pro, इस तरीके का जो दोस्तों फ़ोन रहने वाला है जो कि आपके हिसाब से अगर मैं बात करूँ सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होने वाला है। और इसके वेरिएंट की भी बात करूँगा कि इसमें कौन सा वेरिएंट लगा हुआ है, इसका स्नैप, इसका प्रोसेसर कौन सा है, वो सारी चीज़ें बात कर लेते हैं। पहले हम लोग दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, आप ये जहाँ पे देखिए इसमें जो प्रोसेसर की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन का 4th generation का प्रोसेसर दिया गया है जो कि 4nm पावर बेस्ड में इसमें पावर मिलती है। और इसके साथ में आपको इसकी अगर हम लोग डिस्प्ले की बात करें तो इसकी डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है, 90Hz रिफ्रेश रेट साथ में आती है। कैमरे की बात करें तो 50MP का इसका कैमरा है, इसके साथ में सेल्फी कैमरे की बात करें तो 8MP का है, 5000mAh की बैटरी है इसकी। और इसको हम लोग खोल के अब देखने वाले हैं किस तरीके का रहने वाला और इसमें क्या क्या एक्सेसरीज मिलने वाली है। तो इसकी तो दोस्तों हम लोग बॉक्स कर लेते हैं ओपन। तो ये दोस्तों हमने बॉक्स को ओपन कर लिया है और यहाँ से हम लोगों ये होता है इसका स्मार्टफोन, ये इसका बिल आता है और इसके साथ में दोस्तों ये कुछ यूजर्स मैनुअल होते हैं। इसके साथ में हम लोग देख लेते हैं और अंदर क्या चीज़ रहने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे खास बात होती है कि आपको यहाँ पे डेटा केबल जो है मिल जाती है टाइप सी की और एक चार्जर मिल जाता है आपको 22W का। अब इसमें हम लोग खोल के देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक कवर भी मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इन सबको हम कर देते हैं साइड में और देखते हैं अपना मेन प्रोडक्ट जो है स्मार्टफोन ये किस तरीके का आने वाला है। तो इसको हम लोग यहाँ से ओपन कर लेते हैं और इस तरीके से दोस्तों देखते हैं इस तरीके का ये फ़ोन आने वाला है। अगर हम लोग बात करें फ़ोन की तो फ़ोन में किस इस तरह की कुछ क्वालिटी रहती है, 5G फ़ोन होने वाला है। अब हम इसकी वेरिएंट की बात करें तो ये 8 128GB का है जो कि 12,000 रुपये के आसपास आया हुआ है। तो ये चीज़ आप दोस्तों देख सकते हो। अब हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसका जो डिस्प्ले होने वाला है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो डिस्प्ले की बात करें तो इसका डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा रहता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले आपको बहुत ही अच्छा मिल जाता है। इसके कैमरे की बात करें तो कैमरा भी इसका काफ़ी अच्छा होने वाला है, मैं थोड़ा सा कैमरा इसका दिखा देता हूँ। तो कैमरे की बात करें तो देख सकते हैं इसका कैमरा कितना क्लियर रहने वाला है। कैमरे के बारे में बात करें तो कैमरा इसका जिस तरीके से प्राइस के हिसाब से आपको कैमरा बहुत ही अच्छा रहता है। और इसकी सेल्फी की भी बात करें तो सेल्फी भी इसकी बहुत अच्छी रहती है, मैं 2-3 सेल्फी इसकी खींच लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊँगा किस तरीके की रहने वाली है। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों सेल्फी, तो सेल्फी वह काफ़ी अच्छी रहने वाली, कुछ फ़ोटोज़ भी मैं इससे खींचूंगा जो कि आप देख रहे होंगे मेरे साइड में किस तरीके की इसकी फ़ोटो वगैरह आती हैं। और फ़ोन इस तरीके से रहने वाला है, अगर हम लोग बात करें तो फ़ोन की क्वालिटी इस तरीके से रहने वाली है जो कि बहुत ही अच्छे मिल जाती है, प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और इसकी जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले इसकी आपको एक नॉर्मल IPS डिस्प्ले मिलती है, सुपर अमोलेड डिस्प्ले तो नहीं मिलती है दोस्तों। तो जिन लोगों को दोस्तों 5G फ़ोन लेना है और वो ढूंढ रहे हैं सस्ता 5G फ़ोन जो कि 12,000 से 15,000 रुपए के बीच में हो, तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छा होने वाला है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एक IR ब्लास्टर भी मिल जाता है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। सबसे खास बात होती है कि इसमें एक IR ब्लास्टर मिलता है जो कि आपके TV हो या आपका कोई भी जिसमें रिमोट वगैरह काम करता है तो ये इसमें काम करने वाला है। तो ये भी सबसे बेस्ट काम हो जाता है क्योंकि आजकल के फ़ोनों में ये सब स्किप हो चुका है, तो अब ये कंपनी देना स्टार्ट कर दी है। तो इस तरीके से अगर आप मंगाना चाहते हैं फ़ोन तो मैं लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ से जा करके मंगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस फ़ोन की और भी क्वालिटी जानना तो उसकी भी जानकारी मैं पूरी देने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।